Hi everyone, welcome to my channel Tanushi and family. My name is Shivani और आज वैसे मैंने कोई वीडियो शेड्यूल नहीं की थी पर बस ऐसे ही मन कर रहा था कैमरा उठा के कुछ बातें करने का, तो मैंने सोचा कि करी जाए. और बहुत सारा काम था आज घर का, मैंने सोचा कि आज वीडियो को थोड़ा सा रेस्ट दे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियोस तैयार हैं जो कि मैं एडिटिंग उसमें बाकी है, वो करके मैं डालने वाली हूँ एक दो दिन में. और घर का काम मैंने सोचा आज निपटा लेती हूँ. प्रेस के कपड़े रखे हैं यहाँ पे जो मुझे प्रेस करने हैं, कपड़े धोए थे आज, घर की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह डीपली करी थी. और अभी बस मैं खाना बनाने जा रही हूँ. पोटैटोज़ मैंने आलू बॉईल करे हैं यहाँ पे, उनकी एक सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी. वीडियो के एंड में आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी कि कैसे फटाफट से यूनू अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है या बच्चों के लिए कुछ लंच में कुछ बनाना है तो जल्दी से सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं. वीडियो के एंड में वो भी शेयर कर दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं. फिलहाल जो मैं बैठी हूँ वो आपसे कुछ ऐसी चिटचैट वाली बातें करने बैठी हूँ. और मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग टाइप का कुछ बनाया जाए. आजकल बहुत फेमस है यूट्यूब पे कि लोग अपने घर के काम करते हैं, दिखाते हैं, बातें करते हैं. मैंने सोचा कि आज ये भी ट्राई करके देख लिया जाए. तो एक्चुअली एक दो दिन पहले कुछ फनी सा कॉन्वर्जेशन हुआ मेरे साथ, कुछ हुआ पर वो फनी था उस टाइम पे, बट उसका आफ्टर इफेक्ट ना अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है. मैं सोच पता नहीं कुछ मतलब चल रहा है अभी भी मेरे दिमाग में, बस मुझे वो निकालना था. तो सोचा कि इससे बेटर क्या हो सकता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. तनुषी एंड फैमिली के एक एक करके धीरे धीरे करके मेंबर्स बिल्डअप होते जा रहे हैं. आप धीरे धीरे करके तनुषी एंड फैमिली के फैमिली मेम्बर्स बनते जा रहे हो, एक कम्युनिटी हमारी बिल्ड हो रही है. और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियो बनाना, शेयर करना. आप अप्रिशिएशन भी मुझे मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है. और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ साइलेंटली मत देखा करो, प्लीज़ अपने विचार मेरे साथ शेयर किया करो. क्योंकि देखो यार, मैं नई ही हूँ अभी और कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कोई एक्टर नहीं थी, कोई मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं है. मेरे घर में बिजनेसमैन और सर्विस वाले लोग हैं. बस एक आइडिया आया, कुछ मन को अच्छा लगा, काम करना शुरू किया और भी अच्छा लगा. आप लोगों से एक थोड़े बहुत फीडबैक मिलते रहते हैं और भी अच्छा लगता है, लाइक्स मिलते हैं और भी अच्छा लगता है. क्योंकि एक एनकरेजमेंट होती है कि मैं मेहनत करती हूँ, कंटेंट ढूंढती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ. और थोड़ा सा अगर आपका प्यार वापस में मिल जाता है, एक लाइक आपका मिल जाता है, कुछ आप अच्छा सा कमेंट कर देते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं भी लगता तो भी मुझे ज़रूर बताया करो. क्योंकि मुझे कुछ हो सकता है उससे कुछ सीखने को मिल जाए और मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए. तो प्लीज़ अपने विचार ज़रूर शेयर किया करो मेरे साथ, कॉमेंट किया करो, पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो. कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं हमारे चैनल पे, मोटिवेशनल वीडियोस हैं हमारे चैनल पे जो कि हो सकता है किसी की हेल्प कर दें. कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कुछ मतलब अगर वो बोलते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ ओके प्लीज़ शेयर भी किए, तो वो कहते हैं हम क्यों शेयर करें, हमें क्या मिलेगा इससे. तो मैं कहती हूँ ठीक है मत शेयर करो, पर एक एक कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग. अगर आपको कुछ अच्छा पता चलता है, कुछ ऐसा पता आपको, कोई ऐप ऐसे इंसान को जानते हो जिसे इससे देख के कुछ फ़ायदा होगा, तो क्या बुराई है उसमें, क्या लगता है यार. फ्री का इंटरनेट ही चल रहा है ना, शेयर करने में एक लिंक उठा के आपने किसी को भेज दिया, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा. फालतू के इधर उधर के वीडियोज़ पोस्ट ये वो भेजते रहते हो, कुछ काम का भी भेज दो तो कुछ नहीं होगा ना. तो इसीलिए मैं कहती हूँ शेयर भी कर दिया करो, क्या होगा, दूसरे की किसी को भी कुछ हेल्पफुल देखने को मिल जाएगा. मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस काम को देखें, अप्रिशिएट करें. तो बस इतना ही कहना था कि इसीलिए कहती हूँ मैं बस शेयर किया करो. मेरा कोई ऐसे पर्सनल मोटिव नहीं है कि मैं सबको बिठा के यहाँ पे पंचायत लगाने वाली हूँ सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, सबके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर हो, एक अच्छा एक कम्युनिटी हमारी बने, हम आपस में बातें शेयर किया करें. बस यही मेरा एक मोटिव है. और ये मैं साथ के साथ पोटैटो जो है वो छीलती जाऊंगी और आपको वो कॉन्वर्जेशन बताऊंगी जिसके बारे में बात कर रही थी. तो हुआ क्या, हम जहाँ पे जिस कम्युनिटी में सॉरी जिस सोसाइटी में हम अभी रह रहे हैं ना, उसका हम जहाँ रह रहे हैं वो पार्ट पूरा बन गया है, पर अभी भी थोड़ा जो पार्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो ऑफकोर्स वर्कर्स वगैरह वहाँ पर काम करते हैं और जो मेंटेनेंस वाले लोग हैं, जैसे जो कूड़ा उठाने आते हैं या फिर झाड़ू लगाने आते हैं स्टेयरकेस पे जो कॉमन एरिया होता है वहाँ पे, तो उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो ही जाता है. मेरे घर में भी जो हमारे हाउस हेल्प आती हैं, जो मेड आती हैं, वो भी सोसाइटी में काम करती हैं और लंच टाइम में आके वो मेरे यहाँ पे काम करके जाती हैं या फिर सुबह अपनी शिफ्ट शुरू होने से पहले वो आके सुबह 7 बजे आके मेरे यहाँ पे काम कर जाती हैं. तो थोड़ा सा पता चलता रहता है.
तो हुआ क्या कि 2-3 दिन पहले जो एक लेडी आई थी, वो शायद कुछ, मुझे नहीं पता वो क्या काम करती है, पर सोसाइटी में ही कुछ काम करते हैं, वो वर्कर हैं, और उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था. मैं उनने उनको देखा नहीं, कभी मिली नहीं. और उनकी और मेरी जो कॉन्वर्जेशन थी ना, मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली मैं सिर्फ बताऊँगी तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं ऐसे एक्ट करके बताती हूँ. जैसे कि ये समझ लीजिए, ये वो है, वो लेडी है, ये मैं हूँ. उन्होंने मेरी घंटी बजाई, मतलब उन्होंने मेरे घर की घंटी बजाई. मैंने दरवाज़ा खोला और उनका मतलब वो बॉटल लेके आई थी, कम से कम इतनी बड़ी होगी, बड़ी वाली जो पेप्सी की 2 लीटर 1.5-2 लीटर वाली होती है वो. और मुझे, मेरे पास इतनी बड़ी बॉटल में ऑफकोर्स पानी नहीं था, तो मैंने अपने फ्रिज से 2 बॉटल से उसको पानी भरा. पहले एक निकाल के उसमें डाला, फिर दूसरी डाला. तो मतलब थोड़ा सा मेरे पास, हमारा बीच में थोड़ा टाइम था एक कॉन्वर्जेशन करने का. तो उनका पहला क्वेश्चन, भाभी आपके पास कितने बच्चे हैं? आई वाज लाइक, एक एक बेटी है. शी इज लाइक, अच्छा दूसरा कर लो. एंड जिसको मैं नहीं जानती, पहली बार मिली थी. चलो मैं डिस्कशन बाद में करूँगी, पहले बताती हूँ कॉन्वर्सेशन क्या थी. तो दूसरा कर लो. लाइक, नहीं एक ही बहुत है अभी तो. नहीं, दूसरा कर लो, मोदी ने भी छूट दे दी अब तो. आई वाज लाइक, मोदी जी ने छूट दे दी है? हाँ, मोदी जी ने अब कह दिया आप कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हो, कोई कोई रोक टोक नहीं है. बस लाइक कि पालना तो पर हमें है ना, मोदी जी तो नहीं पालने आएंगे ना. सॉरी सॉरी. तो पर पालना तो हमें है ना दीदी, मोदी जी तो नहीं पालने आएंगे. अरे भाभी एक बच्चे से कुछ नहीं होता, दो तो कम से कम होने ही चाहिए, एक लड़का और कर लो, एक लड़का और कर लो. ध्यान दीजिए ना शब्दों पे. ऐसे नहीं, एक ही बहुत है, और अगर करना होगा तो बाद में देखेंगे, अभी तो एक ही बहुत है. अरे भाभी कर लो दूसरा, मैं बोल रही हूँ. दीदी देखो, सिर्फ बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता ना, उनको पालना भी पड़ता है, आगे पढ़ाना लिखाना भी है, सब कुछ करना है. वहाँ तब तक मेरा काम हो चुका था, मैंने दोनों अपनी बॉटल थी उससे उसकी बॉटल में पानी भर दिया था, और मैंने फटाफट वहीं उस कॉन्वर्जेशन को एंड किया कि पालना भी है ना, और बस अब उनको साइन दे दिया कि बस मेरी कॉन्वर्जेशन खत्म हो गई, आप जा सकते हैं. स्टिल शी वॉज लाइक कि हाँ, और बोलना चाह रही है, कुछ करना चाह रही है, पर मैं अपने किचन में आ गई अंदर, और शायद वो चली गई फिर. तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे इस बारे में. पहली चीज़ तो ये कि मुझे बच्चा पैदा करना है या नहीं करना, एक करना है, दो करना है, 10 करने हैं. आई थिंक ये डिसीजन मेरा और मेरे हस्बैंड का होना चाहिए. अगर किसी और को इसमें बोलने का हक है, सलाह देने का हक है, तो वो शायद या तो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, यानी कि मेरे मम्मी पापा और मेरे इन लॉज, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी. आई थिंक उनका ही हक बनता है बोलने का, और किसी रिश्तेदार का या और किसी ऐसे इंसान का जिसको तो मैं जानती भी नहीं थी, खैर वो तो ऐसी नहीं, पर किसी का भी, नेबर्स का. बहुत लोग आस पड़ोस की आंटियां वगैरह बड़ी पॉइंट करती हैं कि हाँ, दूसरा कर लो, दूसरा कर लो, अरे अभी तक बच्चा नहीं गया, शादी को तो टाइम हो गया, कर लो कर लो. मुझे समझ नहीं आता इसका पॉइंट कि आप क्यों किसी को प्रेशराइज करते हैं, और कर सकते हैं, आपको किसने हक दिया ऐसा? क्योंकि एक बच्चा सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पैदा कर रहे हैं आप, उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है एक पेरेंट्स की. पहली बात तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना ज़रूरी है कि एक बच्चा अपने साथ इतनी सारी जिम्मेदारी लेके आता है, रात रात भर जग के उसका ध्यान रखना पड़ता है. जब बच्चा पैदा होता है तो हर 1 से 1.5 घंटे में उठता है, अगर जिसको नहीं पता तो बता दो. तो मैं अभी तक, तनुषी 2.5 साल की हो गई है, मैंने आज तक 8 घंटे की कंटिन्यूस नींद नहीं ली है. तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटली तैयार हो उस चीज़ के लिए. अगर आप दिल से चाहते हो बच्चा, तो ही ना आप ये सब चीज़ें प्यार से खुशी खुशी करोगे, वरना तो आप पागल हो जाओगे. तो ये डिसीज़न हमारा होना चाहिए. मेंटेलिटी, आप मेंटली आप प्रिपेयर होने चाहिए मेंटली, और फिजिकली एक बॉडी तैयार होनी चाहिए एक एक फीमेल की, कि वो बच्चे को अपने अंदर, समझ गए ना, मतलब एक फिजिकल बॉडी तैयार होनी चाहिए अगर बच्चा पैदा करने चाह रहे हैं आप. तो उसके लिए पहले एक टेस्ट भी होता है, जो कि हमारे इंडिया में आई डोंट थिंक कि लोग इतना करवाते हैं, पर अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आई थिंक पहले आपको एक गायनी से कंसल्ट कर लेना चाहिए, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है एंड ऑल. मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे
बार्थोलिन सिस्ट हो गया था, मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गया था, तो प्रेगनेंसी से पहले ही ये सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हो गई ताकि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए। मुझे पहले ही पता चल गया टेस्ट वगैरह से कि, और मैंने उनको ट्रीट करवा लिया, अगर अदरवाइज़ प्रेगनेंस में मैं प्रेगनेंट हो जाती और फिर मुझे ये सब चीज़ें पता चलती कि मेरी बॉडी में ये सब है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती। मैं वो कभी और वीडियो में शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस कि क्या होता है बार्थोलिन सिस्ट और ओवेरियन सिस्ट, कैसे ट्रीट किया, मेरी ट्रू स्टोरी है ये। और बार्थोलिन सिस्ट इट्स लाइक नाइट मेयर, भगवान गलती से भी किसी के साथ ऐसा बुरा ना करे कि किसी को बार्थोलिन सिस्ट हो, और मेरे साथ तो 4 से 5 या आई थिंक 5 6 बार हो चुका है ये। मैं सब कुछ रिकॉल करके आपको उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के कभी बताऊँगी अपना पूरा एक्सपीरियंस, इट्स नाइट मेयर सच में। तो क्या एक्सपीरियंस था वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। तो इतना कुछ था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटली तैयार हो, फिजिकली तैयार हो, और यू नो फाइनेंशियली तैयार हो कि एक बच्चे के साथ कितनी सारी यू नो खर्चे आते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, तो आप वो सारे खर्चे उठाने के लिए तैयार हो, डिलीवरी का खर्चा हो, चाहे चाहे प्रेगनेंसी के टाइम पे जो टेस्ट वगैरह होते हैं, इतने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं, तो वो सब हो, और उसके बाद भी इतने सारी जिम्मेदारियां आती हैं, फिर स्कूलिंग है, उनको बड़ा करना है, एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, महंगाई इतनी है, एक बच्चे को ही आप अच्छे से उसका उसका यू नो बड़ा कर सको, उसको अच्छी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सको, अच्छी एजुकेशन दिला सको, आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड कि आप 2 3 बच्चे पैदा करके रख लो और आप खुद भी परेशान हो, बच्चे भी परेशान हैं, तो आप ऐसा मिजरेबल अपनी लाइफ और अपने बच्चों की लाइफ बनाओ, आई थिंक उससे तो बेटर है कि आप बच्चे ना ही करो, या जब आप पूरी तरह से तैयार हो तभी करो। तो यस यही है थोड़ा सा। और दूसरी चीज़ ये कि आप मतलब ऐसी चीज़ किसी के साथ डिस्कस कैसे कर सकते हो, यू नो हर कोई इंसान आपको मिल जाएगा आपके आसपास, रिलेटिव या फिर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसे आप जानते भी नहीं हो, पहली बार मिले हो, एंड द कॉन्वर्सेशन वॉज कि बच्चा कर लो। आई फाइंड इट सो फनी एंड आई फाइंड इट सो अनोइंग, हाउ कैन यू डू दैट यार। तो क्या हुआ, हाँ नहीं क्या हुआ नहीं, मैं बोल रही थी कि आप मतलब कैसे कर सकते हो, आप कैसे किसी से ऐसी बात कर सकते हो, जबकि जो चीज़ों पे हमें बात करनी चाहिए, लाइक जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया, जो रेप हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में वो हो गया, या फिर और भी इतने सारे इशू हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, छोटे छोटे यू नो बच्चे सिक्योर नहीं हैं घर में, घर के बाहर, स्कूल्स में, उन चीज़ों पे जो हमें डिस्कस करना चाहिए, उनकी यू नो प्रोटेक्शन पे, और कैसे उनको हम और अच्छा फ्यूचर दे सकें, उन चीज़ों पे हमें डिस्कस करना चाहिए, वो कोई नहीं करता, बस बच्चा पैदा कर लो ये हर कोई कहने आ जाता है। तो बस यही बोलना था मुझे, बाकी आप बताओ आप, मैं आई एम डैम श्योर आप अगर एक कोई फीमेल है ना, आपने ना ऐसी बातें तो सुनी ही होंगी, अगर अगर कुंवारी हो तो सुना होगा कि बस अभी इसकी शादी करा दो, 14 से 15 साल की हुई नहीं कि लड़के देखना शुरू हो जाता है, शादी करा लो शादी करा लो शादी करा लो, ठीक है, शादी एक बार हुई नहीं कि बच्चे कर लो बच्चे कर लो बच्चे कर लो, पहला बच्चा हुआ नहीं दूसरा कर लो दूसरा कर लो दूसरा कर लो। हे भगवान, अगर ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, ये मैं डिसाइड करूँगी, मेरे हस्बैंड हैं वो डिसाइड करेंगे, हम दोनों को मिलके उसे पैदा करना है, उसे बड़ा करना है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, सिर्फ तुम्हारे कहने से, तुम्हारे प्रेशराइज करने से, इवन मैं तो सो बोलती हूँ कि पेरेंट्स भी जो बोलते हैं अपने बच्चों को कि हमें पोता पोती दे दो या नाती नातिन दे दो, वो भी गलत है यार, कि आप किसी को प्रेशराइज नहीं करते, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें सलाह दे सकते हैं सही और गलत की, पर आप एक प्रेशर जो बना देते हैं ना कुछ लोग, वो नहीं करना चाहिए। थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज में से कोई भी ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, थैंक यू सो मच। और बस आई थिंक मेरे को यही बोलना था कि पता नहीं क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्यों हमारी सोसाइटी में ये सब है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पता है, जैसे मैं जैसे हम बैठ के आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये चीज़ कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर कल को मैं ही वो चीज़ करूँ किसी और के साथ, तो वो सबसे ज़्यादा गलत है। आजकल पता है क्या हो रहा है कि फेसबुक पे ये वो हम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपनी रियल लाइफ में खुद ही उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि फेसबुक वगैरह पे इतने सेंटी पोस्ट डालते हैं, ये समाज में ये चीज़ गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है इसकी कि आप क्या कर रहे हैं इसके लिए, आप भी तो वही सेम चीज़ कर रहे हैं ना, जैसे कि क्या दहेज नहीं लेना चाहिए, हर कोई आजकल आप पोस्ट पर देगा दहेज गलत है गलत है गलत है, और खुद ही अगर उनके घर में लड़का है तो अगर कोई लड़कियों से बात करे, अच्छा वो लड़की वाला पैसे कितने लगा रहा है, तो आप पहले अपने आप से शुरुआत करो ना,
आप समाज को उंगली उठाते रहोगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मगर आप समाज किससे बनता है? हमसे ही बन रहा है ना. हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, कुछ नहीं इनिशिएट करेंगे अपनी तरफ से, तो कैसे समाज चेंज होगा? आई थिंक कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा. चेंजेस अपने आप में पहले अपने आसपास करो, अपने अंदर करो, अपनी फैमिली में करो, फिर उसको और अपने रिश्तेदारियों में बताओ, फिर आई थिंक आप समाज को बोल सकते हो कि आपको भी ऐसा करना चाहिए. सिर्फ ऐसा दूसरों को सलाह देने से नहीं चलेगा. तो जब मैं बोल रही हूँ, मैं उस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ. मैं कभी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं ये मानती हूँ, सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बोलती. मैंने अपने और वीडियोस में भी, अगर आप देख रहे होंगे, तो शेयर ये चीज़ की हुई है कि अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ तो पहले मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ. मैं आपको कोई प्रोडक्ट भी बताती हूँ तो पहले मैं उसे ट्राई करके अपने ऊपर काफ़ी टाइम तक देख चुकी होती हूँ, तभी आपको कुछ सजेस्ट करती हूँ. तो आई थिंक ये लॉयल्टी, ये भरोसा मैं बना के रखना चाहती थी अपने सब्सक्राइबर के ऊपर. मतलब सब मेरे सब्सक्राइबर को मुझ पे इतना भरोसा हो कि अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो मैं सही बता रही हूँ. अपने ऊपर टेस्ट करके या अपने ऊपर फॉलो करके फिर ही बता रही हूँ. मैंने वो शुरू से ही बना के रखा. आई होप आगे भी बना के रखूँगी. तो बस यही सब चीज़ें डिस्कस करनी थी. और अब मेरे आलू भी छील छील दिए हैं मैंने सारे. तो चलिए फटाफट से किचन में चलते हैं, बनाते हैं एक सब्ज़ी अच्छी सी फटाफट वाली. और आप मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में. आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ चीज़ें सुनने को मिलता ही होगा. आप मुझे बताना और ऐसी क्या क्या बातें आपने सुनी है, कैसे कमेंट जो आसपास से आपको सुनने को मिलते हैं, अरे ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो. जिन लोगों को अपने घर में मतलब नहीं है, हमारे घर में क्या हो रहा है, अपने हमारे खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं, दूसरों को सलाह देने पहुँच जाते हैं, पता नहीं कैसे यार. चलो यहीं पर ख़त्म करते हैं ये बात. आगे कभी और डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ. आप भी मुझे सामने से कुछ बताइए कि आप किस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, और कुछ टॉपिक दीजिए जो इस सोसाइटी से रिलेटेड हो, हमारी इंडियन मेंटेलिटी से रिलेटेड हो, या फिर कुछ भी मज़ेदार सा कुछ भी कुछ बताइए और उस पर डिस्कस करेंगे हम. तो चलते हैं हमारे किचन में. तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में. पैन में मैंने ये हल्का सा ऑयल गरम होने रखा है, ये देखो बहुत ही थोड़ा सा. और जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं ये पोटैटोज़ को मोटे मोटे चंक्स में काट लूँगी. ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, तो अगर इनके पकने या ना पकने का कोई टेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी बॉइल हो चुके हैं. एक्चुअली मैं अभी भी वही सब सोच रही हूँ जो अभी अभी आपसे डिस्कस किया था कि कैसे मीन्स लोग ऐसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी के साथ में. आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके अपने विचार इस टॉपिक के ऊपर. प्लस आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपने ऐसी कौन सी बातें सुनी हैं अपने आसपास, और आपका क्या मानना है इस बारे में.
मेरी फटाफट वाली सब्ज़ी, और मुझे बड़ी सारी फटाफट वाली रेसिपीज़ आती हैं, क्योंकि पहले मैं पीजी में रहती थी जब शादी से पहले, और मेरा पीजी था उसमें खाना नहीं मिलता था, मैं खुद ही बनाती थी। और उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक, शादी के बाद भी मैंने जॉब किया है, तो हस्बैंड का लंच हुआ, अपना लंच हुआ, मैं ट्राई करती थी कि ऐसी रेसिपीज़ यू नो ढूंढ के लाऊं, या फिर ऐसा कुछ बनाऊं जो फटाफट से बन जाए, ज़्यादा उसमें टाइम ना लगाना पड़े, ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो ऐसा बहुत कुछ है मेरे खजाने में, टाइम टू टाइम मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। अलग से ऐसे एक रेसिपीज़ की क्या शेयर करूँ उससे फटाफट सी चीज़ों की, तो हो सकता है मैं ऐसे ही आगे व्लॉग्स में और बनाऊँ, जिनमें मैं ऐसा ही कुछ छोटा मोटा रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही यू नो छोटी मोटी रेसिपीज़ देखने को भी मिल जाएँ, और इसके साथ ही और जो मेरा इतना सारा ज्ञान का भंडार मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, बच्चों से रिलेटेड वीडियोस, तो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ में एक बेल का आइकन, उसको भी ज़रूर हिट करना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो और मुझे बताना और बना के देखना है सब्ज़ी कैसी लगी, जो शुरुआत में मैंने एक यू नो जो सूखा वाला वर्जन था बिना पानी डाले, जो मैंने आपको दिखाया था कैमरे में, वो वाले आलू होते हैं जो हम, अगर आप मार्केट में छोले भटूरे खाने जाओ उसके साथ जो एक आलू मिलते हैं ना, वो वाले आलू होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, कभी छोले बनाओ या राजमा बनाओ उसके साथ वो वाले छोले, जो नहीं उसके साथ वो सूखे वाले जो आलू हैं वो बनाना। ऐसे भी आप उसको खा सकते हो पूरी वगैरह के साथ, वो सूखे वाले आलू बहुत बहुत यम लगते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसलिए मिला दिया था लास्ट में कि उससे मसाला अच्छे से आलू के ऊपर कोट हो जाता है, तो एक अच्छी सी यू नो एक डिफरेंट टेस्ट हो जाता है उसका। तो एक ही तरह से दो अलग अलग डिफरेंट टेस्ट वाली सब्जी आप खा सकते हैं। और आलू तो हमारे घर के फेवरेट हैं, आप आलू कभी भी कैसे भी खिला लो, तो इसलिए आलू के तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स की सब्जियां बनाती हूँ मैं, डेफिनेटली शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस आज के लिए इतना ही था, थोड़ा सा चिट चैट सेशन, एक क्विक सी रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अगर पसंद आई हो तो यार कमेंट करो, शेयर करो, और बने रहो मेरे साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।